केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड चाईबासा की कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा का भाजपा में शामिल होना कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल हो गई हैं। गीता कोड़ा पश्चिम सिंहभूम जिले के चाईबासा से सांसद हैं और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी है। लोकसभा चुनाव से पहले इसे बीजेपी का मास्टर प्लान माना जा रहा है, क्योंकि कोल्हान क्षेत्र में गीता कोड़ा की अच्छी पकड़ है। गीता कोड़ा ने बीजेपी के कार्यालय में बाबूलाल मरांडी और अन्य बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने पार्टी की सदस्यता ली। भाजपा में शामिल होने के बाद गीता कोड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि कांग्रेस को छोड़ भाजपा में आने का कई कारण है। जिस तरीके से कांग्रेस ने देश को गर्त में धकेलने का काम किया है, परिवारवाद को सिर्फ आगे बढ़ाने का काम किया, इसी आहत से होकर मैं भाजपा में शामिल हुई हूँ। आपको बता दें कि कैबिनेट विस्तार के बाद गठबंधन सरकार में शामिल कांग्रेस के कई विधायक नाराज थे और इन विधायकों को मांग थी कि पुराने चेहरे के बजाय नए चेहरे को कैबिनेट में जगह दी जाए। इस नाराजगी की वजह से ही आज गीता कोड़ा ने बीजेपी का हाथ थाम लिया है। सर्वप्रथम आज मैं आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, आदरणीय मुझे हमेशा इनका मार्गदर्शन मिलता रहा है, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का, अमर बावरी जी का, डोलो माता जी का, संदीप जी का, तमाम सभी का, पार्टी कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद करती हूँ। और अपनी इस नई शुरुआत के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और कांग्रेस को छोड़कर आज मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। इसके पीछे जो कारण है सर्वविदित है। जिस तरीके से कांग्रेस ने लगातार देश को गर्त में डाला है, जिस तरह से कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति करती आई है, एक तरफ तो कहती है कि हम सभी वर्गों को साथ लेके चलेंगे, लेकिन इसके ठीक उलट अगर हम देखें तो किसी को भी साथ लेके नहीं चल रही है, सिर्फ अपना परिवार लेके साथ चल रही है। तो ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि हम लोग सार्वजनिक जीवन में हम लोग राजनीति करते हैं और राजनीति का मकसद है जन का सेवा करना, जनता के बीच में रहना, और ऐसे में जहाँ जनता के हित को दरकिनार किया जा रहा है, पीछे रखा जा रहा है, वैसी पार्टी में बने रहने का कोई औचित्य नहीं था। इसलिए मैंने कांग्रेस को त्याग दिया और भारतीय जनता पार्टी के साथ अब मैं जनता की सेवा करूंगी और मोदी जी के सत्रों के भारत में जो भी मेरी भागीदारी होगी मैं उसे करूंगी। गीता कोड़ा जी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, हम सब लोग जानते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मधु कोड़ा जी, उनकी श्रीमती उनकी पत्नी है और उस क्षेत्र में लगातार सेवा करती रही। पहले भी दो दो बार विधायक वहाँ से रही है, जगन्नाथपुर से विधायक के बाद फिर सांसद बनी और लगातार काम कर रही है। और इस समय कांग्रेस पार्टी के भी वो कार्यकारी अध्यक्ष भी थी, यानी प्रदेश में जिनकी सरकार हुआ उस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आना, तो स्वाभाविक रूप से हम कह सकते हैं कि आज देश में जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उनके कामों की इन्होंने खुद भी प्रशंसा की और उनके कामों के प्रति जो एक झुकाव और उसे आकर्षित होकर के और पार्टी में योगदान करना और फिर पार्टी को मजबूत करने की दिशा में निश्चित रूप से श्रीमती गीता कोड़ा जी के पार्टी में योगदान से कोल्हान प्रमंडल ही नहीं बल्कि संपूर्ण झारखंड प्रदेश में
भारतीय जनता पार्टी को एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा और मिलेगी। और जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन 12 सीटें जीते थे, उसमें से जो एक सीट नहीं जीते थे, उसमें से एक तो दो सीट नहीं जीते थे, उसमें एक सीट चाईबासा पश्चिम से वो भी था और दूसरा राजमहल था। तो अब मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से आप झारखंड की जो 14 लोकसभा सीट है तो आप भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएंगे और मजबूती से हम सब लोग जीत दर्ज करेंगे। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झारखंड से 14 लोकसभा सीट हम सब लोग विजय बना करके उनको देंगे, इसमें से पार्टी आएगी। और हम ये करते कि झारखंड के उज्जवल भविष्य को क्या बोलते हैं उसको निखारने, संवारने को लेकर के जो इन्होंने पूरे संकल्प के साथ पार्टी में आई है, तो उन्होंने कहा कि उसका उनके मैं स्वागत करता हूँ। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का अतीत हम सब लोग जानते हैं कि मैंने कई दफा कांग्रेस पार्टी के बारे में भी कहा, तो मैं हर बार करते रहता हूँ। और खास करके अगर झारखंड के संदर्भ में भी अगर आप कहें तो आज झारखंड राज्य बने 23 साल हो गया, लेकिन झारखंड राज्य के लिए यहाँ के लोगों ने वर्षों से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी भी झारखंडियों का भावनाओं का कभी उन्होंने सम्मान नहीं किया, बल्कि झारखंड आंदोलन के जितने भी नेता प्रणेता रहे, जयपाल सिंह से लेकर के सुरेश सोरेन तक, उन्हों की हसर क्या हुआ, कैसे उन्होंने करदा, ये हम सबको पता है, मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता हूँ। लेकिन यहाँ के जो करोड़ों जो झारखंडी है जो अलग राज्य की मांग करते थे, उसका उन्होंने कभी सम्मान नहीं किया। तो अगर आज अलग झारखंड राज्य भी बना तो केंद्र में एनडीए की सरकार बनी, बीजेपी के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो अलग झारखंड राज्य भी बना। तो हमने कहा कि कांग्रेस पार्टी का ये अतीत है, कभी भी वो सम्मान नहीं करते, सिर्फ वो आदिवासियों के नामों की वो रट लगाते हैं कि आदिवासियों के अपने को हितैषी की वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि वो सिर्फ कहने के लिए है। और उसमें मैं कहूंगा कि चूंकि ये प्रसंग इस वक्त इसलिए जोड़ा है चूंकि गीता कोड़ा जी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, आप सब लोग भी हो सके प्रश्न करें, तो मुझे लगा कि मैं ही खुद करता हूँ आप सब लोगों के बीच। आप देखिए कांग्रेस का अतीत कैसे रहा कि मधुपुरा को मुख्यमंत्री तो बनाए, लेकिन उसके बाद उनका क्या हसर किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं। यानी अगर हम उसको कहें कि पूरे मधु के लोगों ने खा के और कोड़ा खाने के लिए कोड़ा को छोड़ दिया। और इसलिए भी मैं इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा किया इन लोगों ने, ये तो आज भी पूरे सब कुछ दस्तावेज है मेरी जहां तक जानकारी है। जब झारखंड भवन से कई कागजात बरामद हुए थे वो भी आज ईडी या सीबीआई के पास पड़ा हुआ ही होगा, तो मैं तो कहूंगा कि सबको देखना चाहिए कि लोगों ने क्या क्या किया, कैसे किया, वो किसी से वो छुपा हुआ नहीं है वो सारी बातों को। और आज अगर आप देखते होंगे कि झारखंड में चूंकि मधुपुरा जी हो समाज से आते थे, हो समाज आदिवासी में से बहुत सीमित क्षेत्रों में रहते हैं, वो चाईबासा के क्षेत्रों में रहते हैं, देश के या प्रदेश के राजनीति के लिए बहुत रेलिवेंट नहीं रहते, इसलिए आपने देखा होगा कि उनको एक प्रकार से छोड़ दिया, ऐसा हम कह सकते हैं लवारिस की तरह। और आज वही कांग्रेस पार्टी आप सब लोग देख रहे होंगे हेमंत सोरेन ने जो अपने कार्यकाल में क्या क्या लूटा वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ से लेकर के दिल्ली तक कांग्रेस पार्टी के नेता और उनके जितने वकील है सब लोग लाइन से आज खड़ा हुआ है उसको बचाने के लिए। चूंकि वो जिस समाज से आते हैं थोड़ा उसकी संख्या अधिक है, फिर अमीर पॉलिटिशियन में से वो माने जाते हैं आज के तारीख में। और मैं कहूंगा कि जमींदारी तो भले समाप्त हो गया होगा, लेकिन आज झारखंड में जितनी अधिक जायदाद हेमंत सोरेन परिवार के पास है, शिव सोरेन परिवार के पास है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि झारखंड में जितने भी लोग जमींदार रहे
उनके पास भी आज के तारीख में उतना जमीन नहीं है। और इसलिए आप देखते होंगे कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लेकर के बड़े बड़े मंगे वकीलों को लाइन से खड़ा कर देते हैं और वो लोग भी खड़े होते हैं। कांग्रेस भी यहाँ से वहां तक लड़ाई लड़ रहे हैं कि नहीं भाई ये तो बड़ी क्या बोलते हैं अच्छे हैं, ईमानदार हैं, आदिवासी हैं, इसके लिए लोग आवाज उठाते हैं। जबकि मधुपुरम भी आदिवासी थे लेकिन जो कि वो गरीब थे, छोटे ग्रुप के समाज सेवा आते थे। तो इसलिए मुझे लगा कि आज के तारीख में आपके समझ इतनी बात मैं जरूर कह दूँ ताकि आप भी कोई प्रश्न करें तो मैंने ही आपको अपनी ओर से बातों को कहा है। और मैं फिर से आज विशेष सूचना करती हूँ। अरे आदमी किसी को भी, कोई समझदार आदमी को भी लोग फंसा लेता है ना, कभी कभी ऐसा होता है। आप लगता है कि मैंने सबको अपने जैसा मत समझे या फिर अपने तो क्या ये माना जाए कि 29 तारीख को जो लिस्ट जारी हो रही पहली सूची उसमें गीता को? अब वो हमारा वो काम नहीं, वो केंद्र का काम है। सर मधुपुरा की भी घर वापसी करेंगे क्या? नहीं। अरे मैं कह रहा हूँ दोनों जब घर में रहते हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से भी कहूँगा कि मधुपुरा जहाँ कहीं भी रहेंगे लेकिन साथ ही रहेंगे, नहीं तक दावे के साथ कर सकता हूँ। चूंकि मधुपुरा जी के साथ हमारा संबंध है जिसको कर सकते हैं कि उस समय से मुख्यमंत्री और मंत्री का ही संबंध नहीं रहा बल्कि जंगलों में उन लोगों के साथ हमें वो लोग घुमाया करते थे जहाँ पर चायबासा के क्षेत्रों में सड़कें भी नहीं थी, हम लोगों के कोई एमपी भी नहीं हुआ करते थे, एमएलए भी नहीं हुआ करते थे। एक बार आदेश सुनाए हुए थे और उसके बाद उनकी हत्या हो गई थी, उसके बाद एक प्रकार से भयकंप हो गया था वो पूरा के पूरा इलाका। तो उस समय हम जब चायबासा गए थे कई दिनों तक रोक रोक करके इन लोगों को वहाँ से घर से निकाल करके और मैं कई दिनों तक रह रहा करके उस क्षेत्र में घूमते थे। कहने का अर्थ है कि उस समय से उनका संबंध रहा लेकिन कालक्रम में अब हम सब लोग थोड़ा एक दूसरे को बिछोड़ गए थे। अब हम लोग सब एक जगह इकट्ठे होकर के और झारखंड को भी मजबूत कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी मजबूत कर रहे हैं। माता की कांग्रेस मुक्त भारत का जो संकल्पना प्रधानमंत्री जी ने किया है और इस बार 400 के पार जा करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, 370 की सीटें जितनी है और झारखंड में उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष और हम सबके नेता बाबूलाल मरांडी जी का संकल्प की 14 के 14 लोकसभा में कमल खिलाना है। इस दृष्टिकोण से सिंहभूम की जो सीट, चाईबासा की जो सीट पिछली बार 2019 में बाकी रह गई थी उस सीट से आप सांसद हैं, पूर्व विधायक भी रहे हैं, प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भी रही हैं। सारे पदों से कांग्रेस से त्याग पत्र देकर के मोदी जी की गारंटी पे भरोसा करते हुए और 2047 के विकसित भारत की जो यात्रा प्रारंभ हुई है मोदी जी के नेतृत्व में उसमें अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने के लिए कोल्हान समेत पूरे झारखंड प्रदेश में आप एक अच्छी वक्ता हैं, अच्छे नेतृत्व करता है। आपने विधानसभा में भी और लोकसभा में भी अपना प्रतिनिधित्व जनता के लिए अच्छे से रखा है। आज आपने कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दामन थामा है। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस अवसर पर ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्य अपने ढोलदास और संदीप जी विशेष रूप से उपस्थित हैं इस परिवार में और उस संकल्प में जहां देश को 2047 में विकसित भारत बनाना है उसके एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मोदी की गारंटी को आगे बढ़ाने के लिए गीता जी का पुनः एक बार अभिनंदन स्वागत। और हम सब लोग मिलकर के 14 की 14 कमल के खिला करके झारखंड से मोदी जी को सपोर्ट करेंगे ऐसे विश्वास के साथ बहुत अभिनंदन, बहुत बधाई। कभी कभी क्या होता है जब आप घर में रहते हैं तो कोशिश करते हैं, अगर यदि आपका पति दारू पियाट होता है तो बहुत उसको कोशिश किया जाता है वो सुधर जाए, जब नहीं होता है तब लास्ट में तलाक होता है। तो जब देखा जाए कोई सुधार का कोई गुंजाइश है नहीं और आगे भी कोई भविष्य है नहीं तो कांग्रेस को छोड़ देना ही सबसे सर्वश्रेष्ठ विकल्प है और जो देश के लिए आगे बढ़ने का काम कर रहा है, बढ़ाने का काम कर रहा है उसके साथ होना ही आज के समय की सबसे वाइज
डिसीजन है, आज के समय का सबसे मुझे लगा बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय है जो गीता जी ने लिया है। इस देश के निर्माण में उनकी भूमिका इतिहास हमेशा याद रखेगा और कांग्रेस को सही समय में छोड़ा है इसके लिए भी उनके बुद्धिमानी का लोग प्रशंसा करें। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।